काका दो वड़ा पाव दो ना। हाय दोस्तों, आप सब मुझे तो जानते ही होंगे। मैं हूँ अपने प्यारे प्रेम भैया की प्यारी और मासूम बहन। ये वड़ा पाव भी मैं उनके लिए ले रही हूँ। कितनी केयर करती हूँ ना मैं अपने भैया की। काका ये 10 रुपए एक्स्ट्रा लो और एक वड़े में ना ये मिर्ची डाल दो। कहा था ना प्यारी और मासूम हूँ मैं। देख क्या रहे हो, लो और अंदर डालो वड़े में। तो दोस्तों अभी मैं आपको मेरे भैया के बारे में बताती हूँ। ये हैं मेरे भैया। मेरे भैया खुद को एक महान साइंटिस्ट मानते हैं। पर सच बात बताओ, उन्हें ना साइंस की स्पेलिंग भी नहीं आती है। वैसे मुझे भी नहीं आती है। एनीवेज ये है मेरे भैया की लैबोरेटरी, जहाँ भैया दिन रात एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक अजीब सा फॉर्मूला बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं। आप यही सोच रहे हो ना कि मेरे भैया के लैब में ये सिंगर्स के पोस्टर क्या कर रहे हैं। बताती हूँ, एक बहुत लंबी कहानी है। हेलो बेटी, आपका पार्सल। थैंक यू काका। तो दोस्तों भैया के लैब में सिंगर्स की पोस्टर लगाने की वजह ये है कि भैया को भी सिंगर बनना था। उन्होंने अपना ऑडिशन इंडियन आइडल में भी दिया। हेलो जजेस, मेरा नाम है प्रेम भाटी और मुझे सिंगर बनना है। मैं सिंगिंग अपने गुरु से सीख के आया हूँ, रानू मंडल और बिंचा पूजा से। हाँ ठीक है, चल काके सुना, चल 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 जल्दी चल। पर मेरे भैया की आवाज, राम राम राम। जुबीडुबी अडुबी पंपारा, जुबीडुबी परंपरा, जुबीडुबी अडुबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मैन। अरे भैया ये इसे जुबीडुबी अडुबी अडुबी डुबी डुबी डुबी। अबे ढिंचा पूजा के भाई चुप हो जा। बेटा 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 तो सलम तू चल निकल। कहाँ से आ जाते हैं यार, कान से खुद निकलने के लिए। नेक्स्ट कौन है भाई, आ जा। तब से मेरे भैया ने कसम खा ली थी कि वो भी बाकी सिंगर्स के जैसे सुरी लगाएंगे और इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीतेंगे। मेरे भैया की जगह कोई और होता, या तो वो सिंगिंग क्लासेस लगाता या फिर गाने का रियाज करता। पर मेरे भैया ने कौन सा रास्ता चुना? वो एक साइंटिस्ट बन गए और अब वो ऐसी दवाई बना रहे हैं जिसको पी के उनकी आवाज सुरीली हो जाए और वो मीठी आवाज में गा के सबका दिल जीत सके। ये है मेरे भैया का दिमाग और मुझे पागल बोलते हैं। अब ये मिर्ची वाला वड़ा पाव खिलाना बनता ही है ना। देखा प्रेम भाई, मैंने कहा था ना इंडिया जीत जाएगी। भाई मुझे पता है तेरे ओपिनियन हमेशा सही रहते हैं, लेकिन तेरे पास इतना अच्छा नॉलेज है तो उसका इस्तेमाल करके पैसे कमाना। भाई ये कैसे पॉसिबल है? रुक तुझे मैं बताता हूँ। भाई ये सब प्रोबो पे पॉसिबल है। ये है ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप, इसमें आपको अपने पसंद की कैटेगरी चूज करनी है, जैसे क्रिकेट, न्यूज, पॉलिटिक्स, यूट्यूब, क्रिप्टो और जिस भी चीज में तुम्हें नॉलेज है ना उसमें बस यस और नो में आंसर देना है और तुम जीत सकते हो रियल कैश। भाई ये तो बढ़िया चीज है, मैं भी अपना ओपिनियन वेस्ट नहीं जाने दूंगा, मैं भी अभी इससे पैसे कमाऊंगा। चल अभी मैं तुझे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, तू अपनी नॉलेज यूज करके मुझे बताना, तेरे साथ मैं भी पैसे कमा लूंगा। ये देख, क्या इंडिया इंग्लैंड के साथ
टेस्ट सीरीज जीत पाएगी? देख भाई, इंडिया टेस्ट की रैंकिंग पे नंबर 2 पे है और इंग्लैंड नंबर 6 पे, तो मुझे तो लगता है कि इंडिया ही जीतेगी। एक काम कर, यस कर दे। और भाई यहाँ पे तुम क्वांटिटी बढ़ा के ज्यादा पैसे भी लगा सकते हो। और देखो हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, जैसे कि क्या बिटकॉइन 15 जुलाई तक $16,000 से नीचे चला जाएगा? देख मुझे तो लगता है कि क्रिप्टो मार्केट खत्म होने को आ रही है और मेरे अकॉर्डिंग जो बिटकॉइन है वो $16,000 से नीचे जाएगा, तो एक काम कर दे, यस ही कर दे। ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन पैसा कमाने के बाद अकाउंट में कैसे आएगा? भाई इसमें पैसे ऐड करना और विड्रॉ करना बहुत इजी और फास्ट है। तुम कभी भी पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कार्ड, जिस भी माध्यम से करना चाहते हो बिंदास विड्रॉ करो। और ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा लोग खेलते और 200 से ज्यादा लोग लाखों जीत चुके हैं। भाई ये तो एकदम मस्त ऐप है, मैं इसे अभी डाउनलोड करके अपनी नॉलेज से पैसे कमाऊंगा। तो दोस्तों आप भी जाओ और कमाओ लाखों, अपना ओपिनियन यस और नो में देके अपना नॉलेज का इस्तेमाल करके। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ डाउनलोड करो तो अभी आपको लेके अप टू 50 रुपीज। किसका इंतजार है, जाओ और प्रोमो करो। तो भाई अभी तू जा, मेरा थोड़ा काम बचा है, मेरा फॉर्मूला फाइनली कंप्लीट होने वाला है। यस ठीक है भाई, अभी मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ घर पे और प्रोमो से पैसे कमाता हूँ। चल भाई, बाय। अब तक 99 फॉर्मूला फेल हो चुके हैं, लेकिन ये 100 नंबर का फॉर्मूला जरूर सक्सेस होगा, मुझे पूरा यकीन है। अब इसे पी के मैं सिंगर बनूंगा और मैं भी फेमस हो जाऊंगा। भैया ये वाला डायलॉग ना मैं आपके पिछले 99 फॉर्मूला के टाइम भी सुन चुकी हूँ, सो प्लीज इस बार तो ये मत ही बोलो कि ये वाला फॉर्मूला आपका काम कर जाएगा। सच बात तो यही है कि पिछले 99 फॉर्मूले के जैसे ये 100 वाला भी ना फ्लॉप हो जाएगा। ये चुड़ैल, तू यहाँ क्या कर रही है? चल वापस जा बाहर। मैंने सोचा कि आप दिन रात मेहनत करके थक गए होंगे, इसलिए मैं आपके लिए वड़ा पाव लाई थी, बट अभी आपको नहीं खाना है तो इट्स ओके, चली जाती हूँ मैं। पलक, भूख तो मुझे भी लगी है, आ जा पहले वड़ा पाव खाते। चलो खा बच्चू खा। लगता है भैया को मिर्ची लग गई। पलक हाँ, क्या टेस्टी वड़ा पाव है, जहां से भी लाया ना हमेशा वहीं से लेके आना, मस्त लगा टेस्ट। भैया के वड़े में मिर्ची नहीं है, इसका मतलब ओह शिट, गलती से मैंने मिर्ची वाला वड़ा पाव खा लिया। भैया पानी, मिर्ची लग गई। क्या हुआ? मिर्ची खा ली। मिर्ची तीखा लग रहा है, पानी लाओ। अभी लाया, अभी लाया। यशाता ने मुझ पे ही भारी पड़ गई, मर जाऊंगी मैं, जल्दी पानी लाओ। ये क्या कर दिया? क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने मेरा फॉर्मूला पी लिया। अच्छा ये फॉर्मूला था, मुझे लगा जूस है, मैंने पी लिया, जो भी था बहुत टेस्टी है, तीखा पानी चला गया। तू पागल है क्या पलक? मैंने अभी तक इसको टेस्ट भी नहीं किया था। तो भैया मैंने तो टेस्ट कर लिया ना, अगर असर हुआ तो मेरी आवाज सुरीली हो जाएगी और मैं सिंगर बन जाऊंगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर पिछले 99 फॉर्मूले के जैसे ये वाला भी फुस हो जाएगा। पलक तू जा यहाँ से, अगर इसका साइड इफेक्ट हुआ तो क्या करेगी? भैया कुछ नहीं होगा, मैं आपके सामने सही सलामत खड़ी हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? तू पागल है पलक,
तूने मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी। तुम्हारी वजह से मेरा सिंगर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं फिर से फॉर्मूला बना कर ही रहूंगा। मुझे सिंगर बनना है, फिर से सिंगर बन के रहूंगा। अरे भैया इतना गुस्सा क्यों करते हो? बस ना, आप सॉरी। तू चुप बैठ पलक, मुझसे बात भी मत कर, चली जाए यहाँ से। सॉरी ना भैया, बस प्रॉमिस, अब आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं। अब कभी नहीं के आगे भी कुछ बोल। मेरी आवाज को क्या हो गया? लगता है फॉर्मूला का साइड इफेक्ट हो गया। अब बोलेगी, शांत क्यों हो गई तू? पलक, तू ऐसे नाच क्यों रही है? मेरी आवाज चली गई भैया, इस घटिया चीज की वजह से मेरी आवाज चली गई। पलक, तू ऐसे इशारों में बात क्यों कर रही है? क्या हुआ तुझे? मेरी आवाज चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्या बोल रही है? तू क्या गूंगी हो गई क्या? हाँ, मैं गूंगी हो गई। गूंगी हो गई? अरे पर कैसे? अरे ये आपकी घटिया फॉर्मूला की वजह से। मेरी आवाज वापस लाओ, मुझे नहीं पता। मैंने तुझे कहा था इसके साइड इफेक्ट हो सकते, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज भैया मेरी आवाज वापस ला दो। पलक, ऐसा क्या कर रही है? खड़ी हो, तू डर मत, मैं कुछ करता हूँ, तेरी आवाज फिर से वापस आएगी। रुक, बहुत सिंपल है, मुझे नया फॉर्मूला बनाना होगा। देख प्लीज मेरी आवाज ठीक कर दो प्लीज भैया। पलक, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता अब तेरी आवाज फिर से कैसे आएगी। प्लीज मुझे माफ कर दे भैया। अब आपकी कंप्लेन मैं मम्मी को करूंगी। मम्मी को बताएगी? हाँ। अरे पलक, मम्मी मेरी जान ले लेगी। प्लीज प्लीज मम्मी को कुछ मत बोल, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। देख पलक, ये फॉर्मूला तो ये सिर्फ इसमें डालना है, तो तू सुन। गायब भी हो गई? ये फॉर्मूला इतना स्ट्रांग है क्या? ये गायब कैसे हो गई? पलक, तू जा मम्मी के पास गई। पलक, अरे पलक मेरी बात सुनो। पलक रुको ना, अरे पलक सुनो प्लीज, मम्मी को कुछ मत बताओ। मैं कोशिश करता हूँ ना, मैं नया फॉर्मूला बनाता हूँ जिससे तेरी आवाज फिर से आ जाएगी, लेकिन प्लीज 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 मम्मी को मत बताना प्लीज। छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। मेरी आवाज अगर वापस नहीं आई ना, तो मम्मी आपके टुकड़े करेगी। अब इस देखो क्या बोल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पलक रुकना, पलक सुनो। क्या हुआ पलक, तू पागल जैसा क्यों कर रही है? मेरी आवाज चली गई भैया की वजह से, उनके वजह से मेरी आवाज चली गई। मम्मी समझो मेरी बात को। प्रेम, क्या हुआ पलक को, ये ऐसा इशारों में बात क्यों कर रही है? मम्मी, अब आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, छोड़ो जाने दो ना। मम्मी मेरी आवाज चली गई भैया की वजह से, उन्होंने मुझे कुछ तो चीज पिला दी और मेरी आवाज चली गई। अरे देवा, मैं काय करूं। प्रेम, ये पलक तेरी तरफ इशारा करके कुछ बोलना चाहती है, क्या बोलना चाहती है ये? पलक बोल रही है कि मेरी वजह से उसकी आवाज बंद हो गई। क्या? हाँ मम्मी, यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कब से। मेरी वजह से आवाज बंद हो गई मतलब पलक ने मेरे लिए मौन व्रत रखा है। वो नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रहा है। मौन व्रत रखा मम्मी, वो मौन व्रत अपने भाई के लिए, मेरी प्यारी सी बहन ने मौन व्रत रखा मम्मी, मेरी लंबी उम्र के लिए। मैंने उसको मना भी किया था, नहीं ये सब की क्या जरूरत है, लेकिन देखो ना शांत हो गई बेचारी। पर ये तो नहीं बोल रही है। ना बोल रही है? क्या मम्मी, ये तो कुछ बोली भी नहीं, देखो एकदम चुपचाप खड़ी है। अब कुछ बोल नहीं रही है मतलब मौन है, और मौन है मतलब मौन व्रत है। अभी आप ही देखो, कुछ बोलेगी तो देखो, नहीं बोलेगी मैं बोलता हूँ ना, नहीं बोलेगी चैलेंज लगाओ, क्योंकि मौन व्रत रखा है ना मम्मी, कैसे बोलेगी? हाँ वो भी है।
मम्मी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरी आवाज चली गई है भैया के वजह से, मेरी आवाज चली गई। अब क्या बोल रही है ये? आपके लिए भी मौन व्रत रखा है। क्या झूठा ये? नहीं मम्मी, आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए मौन व्रत रखा है, हम दोनों की लंबी उम्र के लिए मौन व्रत रखा है। मम्मी कितनी प्यारी है ना हमारी बच्ची। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, मुझे पता है तुम उसे कितना प्यार करती है, फिर मौन व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं। हे भगवान अब कैसे बताओ इन्हें, मम्मी कसम से मैंने कोई मौन व्रत नहीं रखा है। देखो क्या बोल रही है, बोल रही है कि कसम से आज कुछ भी हो जाए मौन व्रत नहीं तोड़ूगी, मतलब आज पूरा दिन ये शांत रहेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी मम्मी। अरे मम्मी चैलेंज करता हूँ, कुछ बुलवा के दिखाओ मम्मी, बोलती बंद हो गई उसकी, मतलब मौन व्रत रखा है ना मम्मी, कैसे बोलेगी। चलो ठीक है तुम दोनों जाओ भी बाहर, मुझे काम करने दो। ठीक है मम्मी मैं जाता हूँ, और ये इसको भी बाहर भेजना ठीक है, इसका ज्यादा सुनना मत, वैसे भी कुछ बोली नहीं रही है गुंगी, मतलब गुंगी मतलब मौन व्रत रखा है ना, कुछ बोलेगी नहीं तो आप सुनोगी कैसे, लेकिन इसको बाहर भेजना ठीक है, ये तो बाहर आ पहले बाहर, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। मम्मी मम्मी आप तो समझो मेरी आवाज चली गई, मम्मी भैया की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, भगवान मम्मी मेरी आवाज चली गई, मैं गूंगी हो गई हमेशा के लिए। पलक बेटा तू मेरी लाडली बेटी है, कितना सोचती है हमारे बारे में, पर तूने मौन व्रत रखा है तो मुझे कैसे समझ में आएगा तेरी बातें, तुझे कुछ चाहिए तो भैया से मांग ले, जा बेटा मुझे काम करने दे। क्या आजकल के बच्चे, मेरी आवाज चली गई और ये वहां बैठ के गेम खेल रहे। और शेरकोट सुन, मैं गेस करता है, मैं गेस करता है कौन सा मूवी है, हिंदी या इंग्लिश। ये भगवान मैं दमशराद नहीं खेल रही हूँ। क्या तू दमशराद नहीं खेल रही? नहीं। अच्छा बोल, मेरी आवाज वापस ला के दो। तेरी आवाज मैं वापस ला के दूं? वरना मैं मम्मी को बोल दूंगी। मम्मी को बोलेगी? मम्मी को बोलेगी? अरे बोलने के लिए आवाज की जरूरत है, और तू तो गूंगी है कैसे बोलेगी, एक गूंगी बोल के मम्मी को बताएगी कैसा, मम्मी बड़ा 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 चप्पा अबा गया बचा चप्पा। अरे गूंगी तू क्या बोलेगी, जा बोल दे जा आई बड़ी तेरी तो। अच्छा मेरे को मारेगी, चल मार। हाँ बहुत जोर से लगा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा ना मेरे को अभी, चल निकल। अरे गुदगुदी भी नहीं हुई, जा जा आई बड़ी। जी गरी क्या जोर से मारा है बे, क्या बात है पलक, तेरी आवाज चली गई और अक्ल आ गई, बढ़िया। गूंगी हो गई और पढ़ाई शुरू, फिर तो तुझे पहले गूंगी होना चाहिए था ना, स्कूल में टॉप कर दी पढ़ पढ़ के। बेटा बोल लो जितना बोलना है। क्या रे हंसने को क्या हुआ, वो तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रही है तू, जरा मैं भी देखूं क्या लिखा है। मम्मी मैं पलक, मेरी मदद करो, मैंने कोई मौन व्रत नहीं रखा, प्रेम भैया ने एक स्टूपिड सा फॉर्मूला मुझे पिलाया, उसके वजह से मेरी आवाज हमेशा के लिए चली गई, प्लीज हेल्प मी। ए पलक तू इसका क्या करने वाली है, ये मैं मम्मी को दिखाऊंगी। तू ये मम्मी को दिखाएगी? हाँ, और मम्मी आपके टुकड़े करके फेंक देगी। मम्मी मुझे काट के फेंक देगी? देख पलक ऐसा मत करना। मैं तो करूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे को दे नहीं देने दूंगा मम्मी को, नहीं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पलक रुक जा। पलक क्या हुआ, पढ़ो इसे। क्या है ये, अब पढ़ो ना। यस अब मजा आएगा, भैया की तो बैंड बजेगी।
बढ़िया, अब तो आपको कोई नहीं बचा सकता। यस। मम्मी तो आपको मार डालेगी। चलो मम्मी की थोड़ी हेल्प करती हूँ। ओ शिट, झाड़ू नहीं चाहिए। इसका मतलब यस। ये लो मम्मी। ओ माय गॉड, बेल्ट भी नहीं चाहिए। इसका मतलब अब तो आपकी हड्डियां टूटेंगी। ये लो मम्मी। ये भी नहीं चाहिए। इसका मतलब आज तो तू कटेगा बेटा। ये लो मम्मी, काट दो साले को। तलवार भी नहीं चाहिए। अब तो एक ही चारा बचा है। गिरे गिरे गा। ये लो मम्मी, ठोक दो। गन भी नहीं चाहिए। तो मम्मी को चाहिए क्या? पलक। हाँ मम्मी बोलो ना। मेरा सुषमा किधर गया? What? तुझे तो पता ही है बिना सुषमा के मुझे पढ़ना नहीं आता। Oh shit. मार दूंगी। जा जरा मेरा चश्मा ढूंढ के ला। शिट यार मम्मी, आपने अपना चश्मा कहाँ रख दिया? ये लो, ये सब लो, ये भी लो। इसमें क्या होगा? ढूंढो आप। मेरी आवाज चली गई, किसी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ से सच में मेरे घूम गए, ये की गुस्सा हो रही है। अच्छा चश्मा। भैया वो चश्मा मुझे दे दो। क्या बोली? चश्मा चाहिए? हाँ। अच्छा ले 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 ले। नहीं दूंगा, दूंगा ही नहीं मैं। अरे छोड़, दरवाजे पे कोई आया है, बस कर अभी। तुझे आया ना? मार मत ना। गुंगी मस्ती कम नहीं हुई तेरी, देखने से कौन आया है? नहीं तो मामा। अरे प्रेम मेरे भांजे, कैसा है तू? अरे पलक तू भी है, कैसे बड़ी बच्ची? अब मेरी बहना कहाँ है? मामा आए। मामा आज तो पैसे मिलेंगे, मामा को मामू बनाता हूँ। भैया मैं मामा को बता दूंगी कि मेरी आवाज आपकी वजह से गई है। अबे गुंगी हो गई फिर भी बड़बड़ कर रही है। चुप। नहीं। तुम्हें याद है बहना, जब हम छोटे थे तभी ऐसे ही मस्ती किया करते थे। मैं तुम्हारी चोटी खींच के भाग जाता था और तुम पत्थर लेके मेरे पीछे ही पड़ जाती थी। हाँ याद है, कई बार तो मैं तुम्हें पत्थर से मार भी दिया था। क्या बात कर रही हो मम्मी, डायरेक्ट मार दिया। आइडिया अच्छा दिया है मम्मी ने, भैया को भी ना पत्थर से मारना चाहिए। हाँ नहीं तो क्या बात है प्रेम, पिछली बार आया तो ये बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी, इस बार एकदम शांत है, कुछ हुआ है क्या? अरे मामा जी, पलक ने मौन व्रत रखा है। मौन व्रत? हाँ, मम्मी और मेरी लंबी उम्र के लिए। कितनी प्यारी है ना मेरी बहन। क्या क्या आजकल के बच्चे क्या क्या शौक पाल के रखते हैं। देखो भैया, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको।
खाएगी तू है और मुझे तो तू कर रहा। मामा के सामने मार खाएगी पहले। चलो मैं ना फिर निकलता हूँ। मैं खाना खा के जाते। अरे नहीं थोड़ा ऑफिस के काम से हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो खाना खाते जाऊंगा। अच्छा बाय बेटा, चलो प्रेम निकलता हूँ मैं। ओके बाय। चलो फिर से आना जल्दी। बिल्कुल पक्का। पैसे तो दिए ही नहीं। पापा। मामा। हाँ? अरे मैं आपको पासवर्ड नहीं भूल गया। अरे आ जाना बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है बेटा। इसको आपका आशीर्वाद नहीं, आपके पैसे चाहिए। मिल गया। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ। पैसा तो मिला ही नहीं। मामा अब क्या हुआ? पलक कुछ बोल रही है। मैं कहाँ कुछ बोली? हाँ बेटा बोलो। मैं कुछ नहीं बोली मामा, ये भैया पता नहीं क्यों। क्या? मैं कहाँ कुछ बोली भैया? पलक बोल रही है ये भी आपको पैर पड़ना चाहती है। नहीं मैं कब बोली? अच्छा आ जाओ ना बेटा, झुक झुक जियो बेटा, झुक झुक जियो। अच्छा तो चलू फिर मैं। देखा फिर भी पैसे नहीं मिले, लालची इंसान। अरे देखो क्या बोल रही है। क्या बोला ना बेटा? मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही हूँ भैया। बोल रही है आप हर साल आते हो तो पैसे देते हो। नहीं 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 नहीं, इस बार नहीं दे रहे हो। अरे बोल रही है मामा, कंजूस हो गए। अरे बाप रे। नहीं नहीं मामा मैं ऐसा नहीं बोली। मैं और कंजूस? हाँ देखो ना कुछ भी बोलती है। कितने झूठे हो आप। देख मामा पैसे दे रहे, बड़ा दिल है उनका। छुट्टे तो नहीं है, एक काम करो आपस में बांट लो तुम। हाँ ठीक है बांट लेंगे बांट लेंगे। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ आप जाओ जाओ जा, दरवाजा बंद करके आ। अरे वाह आज तो मजा ही आ गया, पार्टी का बंदोबस्त हो गया, एक नंबर। इसमें से आधे पैसे मुझे भी दो। आधे पैसे तुझे चाहिए? हाँ। ये ले आई बड़ी, चल निकल। नहीं छूना नहीं, दूर रह चल। अरे गुंडी दूर रह बोला तो। ये पैसे मेरे भी हैं, दो ना भैया प्लीज। तेरी तो नहीं दूंगा मैं, तू दूर रह, मार खाएगी पलक। देख एक तो गुंगी है, भैरी भी बना दूंगा कान पड़े में देख के। चल निकल यहां से, निकल निकल निकल। गुंगी बोलेगी भी क्या मम्मी को? बिजली गिराने मैं हूँ आई, बिजली गिराने मैं हूँ आई। कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई। निकल यहाँ से, दूर रह पलक, मैं नहीं देने वाला। अरे गुंगी दूर रह बोला तो। पलक तू दूर रह, मार खाएगी पलक। देख एक तो गुंगी है, भैरी भी बना दूंगा कान पड़े में देख के। चल निकल यहाँ से। समझी क्या हो? चश्मा मिल गया। यस मुझको भोड़ी, निकल यहाँ से। चल निकल निकल चल। मैं हूँ सांपों की रानी, बाटा मांगे ना पानी सागर। मम्मी मेरी बात सुनो, कसम से इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो फॉर्मूला पलक ने खुद ही पी लिया था, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। मम्मी वैसे भी कौन शादी करने वाला था इससे? हमें मजा लग रहा तुझे, तुझे भी लूला लग रहा, बना के घर से निकाल दूंगी नारे को। अब आज यहाँ से वापस नहीं आई तो।
चुप है, इतना दुखी बीच में बोल रही है। मम्मी आप मारो। मम्मी? हाँ? गूंगा बोला? हाँ। नहीं नहीं मम्मी, गूंगा बोला? हाँ। अबा डबा चबा, चबा अबा डबा। अबा डबा चबा नहीं मम्मी, मैंने ठीक से सुना, गूंगी बोली थी अभी ये। हाँ। ओप्स। पलक, तू जा यहाँ से। अगर इसका साइड इफेक्ट हुआ तो क्या करेगी? भैया कुछ नहीं होगा, मैं आपके सामने सही सलामत खड़ी हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? पलक तूने मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी। आइडिया, एक काम करती हूँ, भैया के साथ ना प्रैंक करती हूँ, ऐसा भी एक करती हूँ जैसे मेरी आवाज चली गई, मतलब गूंगी होने का नाटक करो, फिर भैया को लगेगा कि फॉर्मूला का साइड इफेक्ट हो गया और भैया के मजे लूंगी। पहले प्रैक्टिस कर लेती हूँ। अब डायलॉग लेती हूँ। सॉरी ना भैया, बस प्रॉमिस, अब आगे से ऐसी गलती फिर कभी। जगह तेरी डैम तेरा दांग मेरी फैम तेरा। सॉरी भैया, मैं तो जस्ट आपके साथ प्रैंक कर रही थी, गुस्सा तो नहीं आया ना, वैसे मजा आया प्रैंक करके। सॉरी मम्मी। प्रैंक? देखा मम्मी, कब से गूंगी बनने की एक्टिंग कर रही थी, हर बार ऐसे शैतानी करती है और इसकी वजह से आप मुझे मारती हो। आज तो इसकी गलती आपके सामने आ गई, अब मारो इसको। नहीं मम्मी, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, अब मुझे मारोगे अपने प्यारे बच्चे को? ये टाइगर श्रॉफ की बच्ची। मम्मी आप देखो, मारो इसको। अरे देख क्या रही हो, मारो। मेरे को तो कैसे कुत्ते जैसे मारती हो, मारो इसको, मारो। क्या हुआ भैया, मेरी आवाज सच में नहीं गई इसलिए मूड ऑफ है क्या? ऐसी बात नहीं है पलक, मैं इस फॉर्मूला पे इतना मेहनत कर रहा हूँ और मेरे सारे फॉर्मूला फेल हो रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई कर लेना। उदास मत हो। पलक, ये मेरी आवाज आपके जैसी क्यों आ रही है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मम्मी जैसी आवाज क्यों आ रही है? भैया फॉर्मूला सक्सेस। हे गाइस, गाइस कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पार्ट टू अगर चाहिए तो बताओ मुझे कमेंट में, ज्यादा से ज्यादा बताओ। पार्ट टू में इसके पास सुपर पावर है, अलग अलग वॉइस में बात कर सकती है, तो प्लीज वीडियो चाहिए नेक्स्ट तो इसको वायरल कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, प्रोबो ऐप जरूर डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय।